हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन ई करियर पॉइंट नीट चैनल पे आप सबका एक बार फिर से वेलकम है टाइम इज 5 पीएम और इस टाइम हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी से दैट इज इज द चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के लिए हमने आपके लिए आपके साथ एक पोलिंग कराई थी और उस पोलिंग के थ्रू आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर का डिमांड किया था एंड एज पर यूर डिमांड वी हैव ब्रॉड न्यू चैप्टर दैट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये जो आपकी क्लास ट्वेल्थ है उस क्लास ट्वेल्थ की जो आपकी बायोलॉजी है उसके अंदर ये जो चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन में जल्द से जल्द आ जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और उन्हें जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करके बता दो कि टाइम 5 पीएम हो चुका है और आज एक नए समय पर नए चैप्टर के साथ हम सब यहां पर अवेलेबल है सो गुड गुड इवनिंग टू एवरी तो जल्दी से सारे बच्चे बिल्कुल आ जाए सेशन के अंदर और सेशन के अंदर आने के बाद बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाए क्योंकि इस एक घंटे में बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं और इस चैप्टर की वेटेज की भी बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे इस चैप्टर की वेटेज कितनी ज्यादा है तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाए वह

हम 5 पीएम पहली बार मिल रहे हैं तो इस टाइम पर आपके लिए एक बहुत ही जोरदार चैप्टर मतलब मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एक ऐसा चैप्टर जो ट्वेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा फोबिया है बहुत सारे बच्चों को इससे चैप्टर से बहुत डर लगता है लेकिन आज के सेशन के बाद आज के सेशन के बाद मैं ये गारंटी करूंगा कि आप को ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आने लगेगा ठीक है और धीरे धीरे जब हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे देन यू विल एड्रेस की सर मजा आ गया इस चैप्टर में क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ने का तरीका समझ में आ गया मतलब आ, आपने इस चैप्टर को अब तक नहीं पढ़ा लेकिन अब जब पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका मिल जाएगा तो सारे बच्चे जल्दी से, से सेशन में आ जाए यस yes, शीतल गुड गुड इवनिंग दुष्यंत गुड इवनिंग मुखराज यादव गुड इवनिंग चलिए बहुत बढ़िया ओके फुल एनर्जी के साथ फुल एक्साइटमेंट के साथ आप सबको रेडी हो जाना है तो हम लोग आज इस चैप्टर को अब स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यू ऑल नो कि इस चैप्टर की अगर बात करें तो दिस इज द चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ योर ट्वेल्थ बायोलॉजी आपकी ट्वेल्थ की जो बायोलॉजी है उसके अंदर चैप्टर नंबर सिक्स है, है जिसमें हम क्या बात करते हैं हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में लेकिन ये इनहेरिटेंस उसके मॉलिकुलर लेवल पे जाके बात करेगा कहने का मतलब है कि आप जब चैप्टर नंबर फाइव पढ़ रहे थे इस चैप्टर में दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वहां पे आप ये सीख रहे थे कि किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर को इनहेरिट करते हो वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर इनहेरिट होता था लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम उसके मॉलिक्युलर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोलिकुलर लेवल पर चीजें ट्रांसफर हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर ये जो प्रोटीन कैरेक्टर्स बनते हैं वो किस तरीके से प्रोटीन से ट्रांसलेट होती हैं ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो सारे बच्चे बिल्कुल बहुत जल्दी आप लोग लेट मत हुआ करें क्योंकि आ, दो मिनट या तीन मिनट की भी लेट आपको आ, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगी क्योंकि दो तीन मिनट के अंदर भी बहुत सारी बातें आप, आ, आपकी मिस हो जाती है यस दिव्या गुड इवनिंग ओके पलाकी सिंह फुल एक्साइटेड वेरी गुड फुल एक्साइटेड भी रहना है और विद द टाइम बने रहना सेशन के अंदर क्योंकि आपको सेशन में आप जब बने रहोगे रेगुलर रहोगे ये चैप्टर मैं यही के यही खत्म करूंगा आपको जरूरत नहीं है किसी और चीज की पढ़ने की इस चैप्टर को स्टार्ट करने क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है आज इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो मैं आपको सारे प्रियो बता दूं कि क्या क्या जरूरी है इस चैप्टर के दौरान तो सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर के लिए आपको एनसीआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है आई एम टेलिंग यू आप मेरे पे बिलीफ रखो फेथ रखो

सेशन uh, जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं आप सबका क्योंकि आप लोग मेरे को पता है ये टाइम न्यू है बहुत सारे बच्चों को अभी ये टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा 5 पीएम टू तो 6 पीएम अब अभ, ये डेली क्लास चलेगी तो आज ये बात सभी मेंशन uh, कर लेंगे अपने अंदर 5 पीएम टू तो 6 पीएम डेली क्लासेस चलेंगी और अपने एक सुबह मॉर्निंग में क्लास लगती ही है तो वॉट इज द बेस्ट थिंग टू नो अबाउट द स्केड्यूल ऑफ द लेक्चर्स वो सबसे अच्छी चीज यही है कि आप ई करियर पॉइंट नीट चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें अगर अब तक ना किया हो तो और नोटिफिकेशन बिल को जरूर से हिट कर ले थीके? और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो लिंक को जितना ज्यादा शेयर करोगे वो जितना ज्यादा आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे ना ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स आएंगे तो उन वो जब क्लासेस करेंगे साथ के साथ लाइव में तो हो सकता है उनके डाउट्स आपके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का काम कर जाए चलो चैप्टर नंबर सिक्स मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम बात करेंगे उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से मैं बता दूं अबाउट द सीपी स्टार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज आप सभी को प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी जरूरी है और प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए आपको ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप पे मौजूद कोर्सेज है उनमें इन्वॉल्व होना जरूरी है क्योंकि वहां पे हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं आपको डी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कोर्सेज हैं वहां पर आपके लिए अवेलेबल एज पर योर चॉइस तो आप वहां से कोर्सेज परचेज कर सकते हो और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो स्टार के पेपर को दोगे आप और स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो अप टू हंड्रेड परसेंट तो बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए ये करने का एग्जाम डेट आप सभी को पता है 18 से 20 दिसंबर के बीच में होने वाला बहुत क्लोज है आपका एग्जाम सबसे बड़ा बेनिफिट इस एग्जाम का यह है कि आपको ऑल इंडिया एग्जाम देने का मौका मिलता है तो सारे बच्चे इस बात को नोट डाउन कर लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही कम इसकी फीस है आप जाकर के सीपी स्टार में इनरोल हो जाओ आज के आज और उसके बाद आप पेपर में अपियर करो यू विल गेट

के लिए एक प्रॉपर टाइम होना जरूरी है कि आप अभी से ही वन शॉट पढ़ने लगोगे चैप्टर को पूरे डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होगी आपको जरूरी जरूरत है कि चैप्टर को को पढ़ो तो अभी तो चैप्टर को में पढ़ने का टाइम है वन शॉट का जब टाइम आएगा तो बिल्कुल आपके लिए वन शॉट लाएंगे आपको ये जितने भी डिमांड्स करने हैं मैंने सुबह में भी बता रखा था आपको कि आपको ये जो डिमांड्स करने होते हैं ये कमेंट बॉक्स के अंदर कर दिया करो ताकि विद द टाइम वो नजर आता रहे और हम अकॉर्डिंगली उस पर काम कर सके चलिए बहुत बढ़िया तो सारे बच्चे बिल्कुल

ओके okay. तो इस सेवन ईयर एनालिसिस में आपकी नीट और एआईपीएमटी के बारे में आपको बताया क्योंकि आपको भी पता है कि हमें तो तैयारी सिर्फ नीट की अब करनी है हमें जरूरत ही नहीं है किसी और की तैयारी करने की नीट की तैयारी करनी है तो नीट के सेवन इयर्स की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आप सभी को पता है ना बहुत सारे टॉपिक्स है बहुत बड़ा सा चैप्टर है बच्चों को इस चैप्टर में फोबिया ही इसीलिए आती है क्योंकि उन्हें डर इसीलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे टॉपिक है और सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट हैं रटने वाला एक भी टॉपिक नहीं है तो आपके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है राजीव बिल्कुल कितना क्वेश्चन आता है इसी चीज को डिस्कस करें थोड़ा सा पेशेंस रखो मैं सारी बातें आपको रिवील कर दूंगा सब कुछ बताऊंगा आप इसलिए तो कह रहा हूं कि सेशन में अगर हो आप तो आपको सारा जो डाउट है ना आपका वो यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा तो देखो इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है एक तो आपका डीएनए का टॉपिक है जहां पे आप डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे जो आज हम करने भी जा रहे हैं आज के हमारे क्लास भी इसके ऊपर बेस्ड है दूसरा है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल ठीक है आपके बॉडी में जेनेटिक मटेरियल कौन है क्या वो डीएनए है क्या वो आरएनए है या प्रोटीन्स हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम और उन एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चन रिलेटेबल है वो रिलेटेबल क्वेश्चन भी करेंगे तो बहुत काम बहुत मजे से इस चैप्टर को पढ़ना है ठीक है इस चैप्टर में हम आर एन ए वर्ल्ड को जानेंगे आप सभी को पता है कि आर एन ए को हम आ, कहते हैं कि आर एन ए का एक वर्ल्ड रहा था यानी कि जहां पे हम ये कहते हैं कि डीएनए से पहले प्रिमेटिवली आर एन ए तो बारे में हम चीजें समझेंगे क्लियर करेंगे तो आपने पढ़ भी रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर हम बात करेंगे रेप्लीकेशन की है ना डीएनए आप, आपस में रेप्लीकेट करके अपनी कॉपीज तैयार करते हैं देन वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में पता चलता है डीएनए से क्या बनता है मैसेंजर आरएनए बनता है ठीक है फिर जेनेटिक कोड्स के बारे में बात करेंगे कि ये जेनेटिक कोड्स क्या करेंगे कि ये जेनेटिक कोड्स एसिड के सीक्वेंस को लेके आएंगे और उसकी वजह से एक मैसेजर आए फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके सामने होगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा याद आ गया सभी को इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रल डोगमा थ्योरी तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक

अगर हमारी साइंस थोड़ी डेवलप हो जाए और हमें ये जन्म से पहले ही पता चल जाए कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है तो यह पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमने जीन्स को बहुत प्रॉपरली समझ सके यानी हमारी बॉडी क्योंकि बाई बर्थ हमारी बॉडी में जीन्स के नंबर बन चुके होते हैं तो अगर हम अपनी पूरी जीन्स की स्टडी कर ले बाई बर्थ ये बर्थ से पहले ही बिफोर बर्थ ही अगर स्टडी कर ले तो बर्थ के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस एज पे कौन सी बीमारी हमें जीन्स के वजह से हो सकता है हम इवन दो कि ये भी पता लगा सकते हैं कि एक जो पर्सन है उसकी नेचुरल डेथ कब होगी नेचुरल डेथ का मतलब समझते हो ना कि किसी बीमारी की वजह से या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रुकने की वजह से उसकी डेथ कब होगी इसका भी हम पता लगा सकते हैं एक्सीडेंटल डेथ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे पर हम नेचुरल डेथ प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो अगर हमें जीन की स्टडी हमने कर ली ढंग से और जीन के बारे में हमने पता कर लिया तो हम बेसिकली एक रिवॉल्यूशन सेट कर देंगे साइंस के अंदर तो आप सारे बच्चे जब पढ़ रहे हो तो इस माइंड फ्रेम से पढ़ना कि नीट के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं हम मॉलिकुलर बेसिस को इस तरीके से पढ़ेंगे जहां पे हम एक रिसर्चर हैं हम क्या हैं एक रिसर्चर है और हम एक एक चीज रिसर्च के फॉर्म में सोचते चलेंगे हम ये सोचेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है क्यों इसका पर्पस एक्सपेरिमेंट कराने का और इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीजें हम अनफोल्ड करने वाले हैं और क्या ये बेनिफिट देने वाला है कि नहीं

इस चैप्टर के दौरान मैं आपको एक समय के लिए जेनेटिक्स की स्टडी भी करवाऊंगा यानी कि इनहेरिटेंस की भी स्टडी आप कर रहे होगे तो आप उस वक्त तक एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तरह सोच रहे होगे एक रिसर्चर की तरह सोच रहे होगे आने वाले टाइम में जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप उसके साथ ये भी सीखोगे कि कैसे आप किसी की जीन स्टडी कर सकते हो और आगे जब बढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि आप एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी हो है ना तो आप एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी बनोगे जहां पे आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी करोगे उसके और आगे बढ़ोगे तो आप एक तरीके से वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके आप क्रिमिनल प्रोसेसिंग को आ, देखोगे ठीक है वहां पे आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो और साथ के साथ आगे चल के आप पैटर्नल डीएनए के बारे में भी जानते हो और समझते हो कि अगर कोई आपके पास ये क्लेम लेके आए कि आ, जो बच्चा है वो उनके आ, उस पेरेंट का नहीं है तो आप उन दोनों के डीएनए की मैचिंग करके उसको पेरेंटल कंफर्मेशन दे सकते हो कि वेदर दैट चाइल्ड बिलोंग्स टू particular पेरेंट और नॉट तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर और मजेदार तरीके से भी पढ़ेंगे बहुत सीक्वेंस में पढ़ेंगे और चैप्टर बड़ा है नो no डाउट बहुत ही डिटेलिंग है चैप्टर के अंदर, लेकिन हम इसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो एक बात तो दिमाग में बैठा लेना नीट इस चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीआर जरूरी है और मेरे सेशन आप देखते रहोगे ये दो चीजें कर लेते हो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो बस इस चैप्टर में और कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं कहीं भी बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल एक्साइटमेंट फुल ऑन होना चाहिए आज इंट्रोडक्शन है आज हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि ये चैप्टर अगर एक बार आपके दिमाग में उतर गया मतलब इसको पढ़ने का एक आ, वो एक्साइटमेंट आ, आ गया ना तो फिर इस चैप्टर को आप कंप्लीट करके ही मानोगे दैट इज आई एम टेलिंग यू ठीक है तो ये ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है बहुत ही मजेदार होने वाला है और नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो इतने सारे आर्टिकल्स में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे अब देखो प्रीवियस सेवन इयर्स में इस चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपकी इन दोनों ब्लू वाले यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से ध्यान से समझना ये जो पूरे के पूरे टॉपिक है पहली बात तो कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से लगभग आपको क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चंस के के आने चांसेस होते हैं तो क्वेश्चन इवन फाइव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो बहुत सारे आने वाले हैं ये तो कंफर्म है और आता ही आता है ये भी कंफर्म है ठीक है अब इसमें भी कि, कि, किस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं वो है आपके ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाले टॉपिक डीएनए वाला टॉपिक जो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की हम बात करेंगे ठीक है तो इन सारे टॉपिक्स से हर साल क्वेश्चन आते हैं तो आप ये देख सकते हो परसेंटेज का कंडीशन किस तरीके से इससे क्वेश्चन आने वाला है तो बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है बहुत मजे से पढ़ना है तो आप सभी का सेशन में रेगुलर आना बहुत जरूरी है तो जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं वो तो मुझे दिख रहे हैं जो रेगुलरली मेरे क्लासेस में आते हैं लेकिन आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी लाना जरूरी है तो आप हमेशा फ्रेंड्स को क्यों मिस कर जाते हो ठीक है अशुल कितने क्वेश्चन आते हैं मैंने लिख दिया है थ्री से फोर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कभी कभी और सिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से तो एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी आए तो भी ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि खुद सोचो ना अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर कोई कैरेक्टर बन रहा है जैसे आप के अंदर आप टॉल हो ठीक है आपके अंदर अगर कोई कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको कभी ऐसा फील नहीं जाता है कि हम ये सोचे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी में कैरेक्टर बन रहा है आपने कभी भी देखा है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर आपके अंदर इनहेरिट हो जाते हैं तो कभी सोचने की कोशिश तो करेंगे ना कि आखिर ये इनहेरिट कैसे हो रहा है तो आपको पता क्या चलता है कि अच्छा डीएनए से हमें ये चीजें इनहेरिट हो रही है है ना जीन्स से ये चीजें इनहेरिट हो रही हैं पर क्या डायरेक्टली डीएनए से हमारे अंदर कैरेक्टर आता है तो बिल्कुल इसका जवाब नहीं है क्योंकि डीएनए पहले क्या करेगा मैसेंजर आरएनए बनाएगा मैसेंजर आरएनए क्या करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा और फिर यही प्रोटीन आपको कैरेक्टर देंगे तो आपको बेसिकली जो इनहेरिटेंस आपने पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर उसके मोलिकुलर लेवल में जाने का मौका मिल रहा है तो एक्साइटेड ये चैप्टर तो है तो सच में बहुत मजेदार क्योंकि आपको मिल रहा है वो चीज है जो आपको बिल्कुल एक ऐसे जगह पर लेके जा रहा है जहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले

बन के आएंगी आपको यह समझ में आने लगेगा कि सच में क्या पॉसिबल कि हम अपने बॉडी के अंदर जो जीन्स मौजूद हैं उनकी स्टडी कर पाएंगे उनको देख पाएंगे तो वो चीजें भी हम कर पाएंगे बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे जितना मैं पढ़ाता जाऊं उतना पढ़ते जाना और एनसीईआरटी पढ़ते जाना यानी कि मैं पढ़ा दूं जितने टॉपिक्स को उतना पढ़ाने के बाद दस मिनट का टाइम और लगाना और एनसीईआरटी पढ़ लेना और फिर धीरे धीरे जब मैं कहूं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आपका यह चैप्टर बिल्कुल खत्म कर देंगे यूट्यूब पर ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या ये सारे बच्चे समझ गए बिल्कुल बहुत सारे बच्चे यहाँ पर साइन दिखा रहे हैं कि यस दे ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस यस चलिए बहुत बढ़िया दूसरी बात सबको ये बात बता रखा है कि अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है कुछ भी आता है तो आप टेलीग्राम पर करियर पॉइंट की जो लिंक है सी लाइव की जो लिंक है वहां पर आप उसको कनेक्ट हो सकते हो और टेलीग्राम पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो आपको वो आ, वो जो आ, ये लिंक है वो आपको याद हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है और आपको चैट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा ठीक है तो ये सारी बातें ध्यान रखना है हाँ और जो बच्चे लेट आ रहे हैं आज तो देखो मैं तो आज आपके ऊपर ये बातें भी बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान रखना लेट अगर आते हो तो मिस करते हो आप चीजों को है ना तो अब ये लेट आने वाली जो टेंडेंसी है ना वो बंद करें क्योंकि आज देखो आज तो ठीक है कि फर्स्ट डे ऑफ द क्लास है नया टाइम हो रहा है इसलिए आज मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूं आपको लेकिन हाँ इसको बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में करेंगे तो सारे बच्चे मेरे को एक बार प्रॉमिस जरूर करेंगे कि यस सर इस चैप्टर को बहुत ही डिसिप्लिन वे में विद uh, पंक्चुअलिटी करेंगे यानी कि पांच बजे का टाइम तो पांच बजे हम अवेलेबल होंगे और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आएंगे एक बार जल्दी से आपके प्रॉमिस मेरे को दिखने चाहिए तो एक बार मुझे प्रॉमिस करके दिखाओ कि हाँ सर बिल्कुल हम पांच बजे के टाइम पर ही अवेलेबल होंगे तभी मैं इस चैप्टर को कराता रहूंगा मेरे को जिस दिन ये चैप्टर में लगा कि नहीं आपके नंबर कम हो रहे हैं आप लोग नहीं क्लासेस कर रहे हो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो मैं इस चैप्टर को क्लोज भी कर दूंगा ये भी कंफर्म बता रहा हूं इसलिए मुझे आपका ये रेगुलरिटी चाहिए क्योंकि आपके लिए चैप्टर लेके आया हूं आपके डिमांड पे लेके आया हूं तो फिर आपकी रेगुलरिटी चाहिए ठीक है कल सब टाइम पे आ जाना बिल्कुल बिल्कुल सिंबल करेक्ट बिल्कुल ये आपको आपस में ये करना होगा ठीक है हा मालूम है तो आप सभी को ये चीजें क्लियर समझनी है तो आप लोग इन टाइम पर आने की कोशिश जरूर करेंगे और टाइम पे पहुंच करके क्लासेस करेंगे ठीक है तो चलिए बहुत बढ़िया सबको समझ में आ गया सबको क्लियर है शाम पांच बजे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बजे का टाइम इसी इस टाइम पे आपको आ, आ जाना है ओके okay, पंक्चुअलिटी रहेगी सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास सो गेट एक्साइटेड फॉर द क्लास नाउ चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में किसके बारे में डीएनए के बारे में बात करेंगे ठीक है तो बिल्कुल अब डीएनए के बारे में बात करेंगे डीएनए के बारे में समझेंगे पर उससे पहले आपको एक बार समझा दे कि आपने चैप्टर नंबर फाइव में क्या पढ़ा था चैप्टर फाइव में आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जहां पे आप क्या देख रहे थे कि एक मेंडल थे है ना ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने क्या कहा था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक चले जाते हैं और इसी वजह से पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट हो जाते हैं यानी ट्रांसफर हो जाते हैं ठीक है फिर क्या होता है ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये फिर अपने कैरेक्टर को अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है और इस तरीके से हम क्या देख रहे थे कि फैक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था और इस तरीके से जो कैरेक्टर थे वो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रहे थे और सारे जनरेशन में वो जा रहा था ये बात हमने कहा देखा था ये बात हमने जेनेटिक्स चैप्टर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ते दौरान देखा था फिर हमने वहां पे क्रॉस की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया आपने कियाब्रिड क्रॉस किया आपने आपने वहां पर लिंकेज पढ़ा रिकॉम्बिनेशन पढ़ा और इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आपको बस एक बात वहां से समझ में आया कि किस तरीके से एक कैरेक्टर दूसरे ऑफ स्प्रिंग यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है पर दिमाग में एक बात वहां पे अटक गई कि ठीक है ये तो समझ गया कि वो फैक्टर क्या था तो मेंडल ने तो मेंडल तो नहीं जानते थे कि उस फैक्टर को हम क्या कह रहे हैं आगे चल के जब साइंस डिस्कवर हुआ जब हम न्यूक्लियस को समझने लगे तो हमने नाम दिया कि वो जीन्स हैं जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं पर दिमाग में फिर एक बात आई कि ये जीन्स कैसे आके ट्रांसफर कर रहा है आखिर कुछ तो होगा कि जीन्स के अंदर भी तो कुछ काम हो रहा होगा जिसकी वजह से ये कैरेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा होगा और फिर ऑफ स्प्रिंग अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये चीजें पास कर रही होंगी यानी कही कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट थी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के इनहेरिटेंस को समझना और मॉलिकुलर लेवल पे हम जब समझते हैं इनहेरिटेंस को तो वो चीज आज हमें समझना है डीएनए के फॉर्म में क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि कि जेनेटिक मटेरियल है 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 कौन ठीक लेकिन अपने को नॉर्मली तो इतना पता होता डीएनए ही हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स में मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है एक्सेप्ट सम वायरसेस जहां पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं आप सभी को पता है क्योंकि आपने इलेवेंथ के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप जब इलेवेंथ क्लास में थे वहां के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कह रहे हैं ये दो तरह के होते हैं कौन से होते हैं एक तो होता है डीएनए और दूसरा कौन होता है दूसरा होता है आरएनए तो दो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप जानते हो डीएनए और आरएनए ठीक है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड ठीक है कब किसको क्या कहेंगे ये भी बात आपको बताएंगे तो आपको न्यूक्लिक एसिड में ये बताया है बायोमोलिकल चैप्टर में कि दो तरह के हैं एक डीएनए है दूसरा आरएनए है अब अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए को हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस हैं, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो ये अगर मैं स्टेटमेंट कह दूं कि यूनिवर्सली जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा चैट बॉक्स में बताना आप सभी यस। uh, चैटबॉक्स yes, में आप सब पहले मुझे ये बताओ कि हाँ मैं एक बार टाइमिंग आपको फिर से बता दूंगा डोंट वरी फॉर दैट ठीक है अभी तो सिर्फ मुझे ये बताओ चैटबॉक्स के अंदर कि अगर मैं ये स्टेटमेंट कह रहा हूं यूनिवर्सली डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है जल्दी से बता दे सारे बच्चे यस yes. हां जल्द जल्दी से पहले ये बताओ मुझे कि जो मेरा स्टेटमेंट है कि डीएनए यूनिवर्सली एक जेनेटिक मटेरियल है है क्या ये सही वेरी गुड सिम्बा सिम्बा इज फर्स्ट टू गिव द आंसर ओके आशीष कह रहा है करेक्ट है नंदी सिंह नो सर बिल्कुल देखो ये स्टेटमेंट गलत था ठीक है क्यों गलत था क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डीएनए यूनिवर्सली जेनेटिक मटेरियल नहीं है बल्कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है एक्सेप्शन वायरसेस

अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है तो हमें याद आ गया न्यूक्लिक एसिड बेसिकली पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पॉलीमर होता है किसका पॉलीमर होता है तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है बहुत आराम से चलेंगे ताकि एक एक चीजें ना दिमाग में उतरते चल जाए तो हमें याद आ गया कि न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है है ना किसका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है अच्छा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उससे बनेगा न्यूक्लिक एसिड और दो तरह के न्यूक्लिक एसिड बनते हैं एक तो डीएनए बनता है दूसरा आरएनए बनता है याद हो गया हमें ठीक है तब ध्यान आया कि यार न्यूक् न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी पढ़ा था हमने इलेवंथ के अंदर ही बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो किसका बना हुआ होता है बना हुआ होता है फॉस्फोरस का एक सुगर का और नाइट्रोजन बेस का तो हमें याद आ गया कि न्यूक्लियोटाइड तो इन तीन कॉम्पोनेट्स का बना हुआ है किसका किसका एक पेंटो शुगर का बना हुआ होता है ठीक है एक नाइट्रोजन बेस का बना हुआ होता है और फास्फोरस का बना हुआ है। जब ये तीन चीजें आपस में मिल जाती हैं तो वो फॉर्म करती है न्यूक्लियोटाइड को जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो उससे बनता है न्यूक्लिक एसिड अब इस न्यूक्लिक एसिड में वो डीएनए होगा या आरएनए होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा डिपेंड करेगा कौन सा पेंटो शुगर आप यूज कर रहे हो अगर आप पेंटो शुगर कर कर रहे रहे हो हो अगर आप शुगर डी कर रहे हो, तो डीएनए होगा वो न्यूक्लिक एसिड अगर वो पेंटो शुगर आप राइबोस कर रहे हो राइबोस पेंटो शुगर यूज कर रहे हो तो फिर वो क्या होगा आर होगा तो बहुत सिंपली जो जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जल्दी से याद कर लो यानी इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जेनेटिक्स याद आ जाना चाहिए और बायोमोलिक्यूल चैप्टर याद आ जाना चाहिए ये दो चैप्टर्स आपको याद आ जाने चाहिए समझ में आ गया तो ये हाँ डाउट है राजन जल्दी से डाउट पूछना राजन डाउट को लिखने से बेटर है डाउट मतलब डाउट का पूरा स्टेटमेंट जल्दी से लिख दो डाउट वर्ड लिखने से बेटर है ताकि मैं उस डाउट को जल्दी से ले सकूं चलिए यस नित्या गुड इवनिंग बहुत लेट हो तो लेट आने वाले आदत जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं वो लेट आने वाली आदत बदल देना कल से लेट अगर आते हो आप सभी तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि फिर ये चैप्टर को मैं रोक दूंगा क्यों रोकूंगा क्योंकि आप अगर क्लासेस में रेगुलर नहीं आओगे क्योंकि ये चैप्टर आपके डिमांड पे स्टार्ट किया है हमने पोलिंग करा के इस चैप्टर को स्टार्ट किया है तो फिर बहुत जरूरी है आपको टाइम पर आने का और जो बच्चे नए आ रहे हैं वो करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे चलो तो आगे ये बात समझ में आ गई तो पुरानी जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है वो एक बार रिवाइज जरूर हो गया है ना तो ये आपने समझ लिया तो चलिए मूव करते हैं अब देखो ये क्या कह रहा है कि डीएनए होता क्या बहुत सिंपली लाइन समझ में आ जाएगा डीएनए होता क्या है तो हमें समझ में आ गया डीएनए एक टाइप है किसका न्यूक्लिक एसिड का तो हम यहां पर कह रहे हैं डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है ना तो न्यूक्लिक एसिड को अभी मैंने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है और किसका ये पॉलीमर है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का तो देखो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये पॉलीमर होते हैं किसके पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अब अगर मैं डीएनए बोल रहा हूं तो डीएनए किसका पॉलीमर हो जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा लेकिन किस न्यूक्लियोटाइड का डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का क्लियर हो गया सबको समझ में आ रहा है कैसे ये चीजें हो रही है यस uh, yes, सर क्या ऑल वायरसेस में आरएनए रहता है देखो मैंने कहा अभी कुछ वायरसेस में तो कुछ वायरसेस का मतलब ऑल कैसे हो सकता है अश्रफुल तो जब मैं कोई वर्ड बोलता हूं ना इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जब भी मैं कोई स्टेटमेंट बोलता हूं तो आपका ये काम होता है कि उसको ध्यान से सुनना क्योंकि बायो के अंदर अगर याद करो तो मैं बहुत बार बोलता हूं कि मोस्ट जनरली ऑल ये सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन उस लेवल की होनी भी चाहिए इसलिए याद करो मैंने कहा कि डीएनए तो आपके मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स में होता है मोस्ट का मतलब ही हुआ ज्यादातर में यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरसेस तो उन वायरसेस में कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है यह बात ध्यान रखना है, है ना तो ये छोटी छोटी बातों को रखना ध्यान रखना स्टार्ट कर दो इसलिए मेरे सेशन के दौरान ना कंसंट्रेशन चाहिए अगर कंसंट्रेशन बढ़िया है तो आप सिर्फ नीट में क्वालिफाई नहीं करोगे बल्कि रैंक प्रोड्यूस करोगे ये बात पक्की है क्योंकि मैं वो उतने कंटेंट आपको दे रहा हूं जितने कंटेंट की रिक्वायरमेंट आपको नीट के लिए होगी ठीक है तो ये याद रखना है लेंथ कैसे याद लेंथ याद करा देना डीएनए का ओके राजन जब लेंथ वाले टॉपिक पे आएंगे तो बिल्कुल याद करा देंगे आपके पास सारे लेंथ ठीक है तो लेंथ तो याद आपको करना पड़ता है और ऑप्शन आपके पास प्रोवाइडेड होंगे तो जितना मैं आपको बताऊंगा वैसे आप चीजें पढ़ लेना क्लियर हो जाएगा राजन ठीक है तो बार बार एक मैसेज को करने से कोई फायदा नहीं है बिल्कुल ही करा देंगे आपका ये जेनुअन डिमांड है करा देंगे उसे याद कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो मैंने क्या कहा डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका डी ऑक्सी राइव न्यूक्लियोटाइड्स का लेंथ ऑफ तो डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जैसे डीएनए का अगर मुझे लेंथ पता करना है तो वो कैसे पता करते हैं तो ये पूछा जाता है बहुत बार तो आप उसको पता करते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पे या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एस बेस पेयर तो बेस पेयर क्या होता है बेस पेयर क्या होता है तो जब न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स की हम बात करते हैं ठीक है तो उसे हम कहते हैं बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स को हम कहते हैं बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए अगर मुझे मेजर करना है तो लेंथ ऑफ डीएनए हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे ये दो बातें अभी फिलहाल याद रखते चल जाना आगे मैं जब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे बात करूंगा तो ये सारी चीजें बहुत सिंपली आपको समझ में आते चल जाएगी ठीक है दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये जो लेंथ होती है ना डीएनए की ये हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग होता है जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम ह्यूमंस डाइप्लॉइड्स होते हैं तो हमारे अंदर जो डाइप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है दैट इज टूए सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो इसके अंदर अगर मुझे डीएनए लेंथ को देखना होगा तो मैं चाहूं तो इसका हैप्लॉयड भी देख सकता है क्योंकि आपकी एनसीआरटी है और वो कहता है कि हेप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए जो होती है वो होती है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन कर लेना ठीक है सॉरी थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर नाइन बेस पेयर होगा तो इसको आप सही कर लेना थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर नाइन बेस पेयर ठीक है तो ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे बोला गया कि व्हाट इज द ह्यूमन हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट यानी कि ह्यूमन के अंदर जो डीएनए लेंथ होगा कंटेंट होगा वो कितना है तो आंसर होगा 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर नाइन बेसपेयर ठीक है तो हमारे अंदर ये टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हो गए थ्री पॉइंट थ्री नाइन लेकिन ये हमारा हैप्लॉयड है हम ह्यूमंस होते क्या हैं हम डायप्लॉयड होते हैं और जब हम डायप्लॉयड हैं, तो ये जो नंबर है ना इसको क्या करना होगा टू से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो अगर कभी एग्जामिनर ने गेम खेला आपके साथ एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलता रहता है तो मान लो एग्जामिनर आपके साथ कोई गेम खेलता है और वो आपको एनसीआरटी में तो दे रखा है और उसने क्या कर दिया आपसे पूछ लिया कि डायप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए क्या होगा अब आप कहोगे अरे यार ये तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ गया क्या वो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं है एनसीईआरटी में आपको हैप्लोइड कंटेंट दिया है आपको ये कॉमन सेंस लगाना था कि इसमें बस क्या कर देना है दो से मल्टीप्लाई कर देना अब दो से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो एग्जामिनर बस इतना गेम नहीं खेलेगा वो आपसे एक और गेम खेलेगा वो क्या करेगा पहला ऑप्शन सेट करेगा सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर एटीन बेस पे दूसरा करेगा सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइन बेस पे अब बहुत बच्चे होशियार होते हैं वो क्या करते हैं जैसे ही उन्होंने देखा पहला ऑप्शन क्योंकि वो बायो के हैं उन्हें से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना और वो क्या करते हैं टेन टू दावर एटीन वाले को देखते हैं टिक मार के आते हैं और जैसे ही वो टिक करके आते हैं खुश तो बहुत हो जाते हैं कि आज तो पेपर बहुत सिंपल आया था बहुत ईजिली सारा सॉल्व कर दिया पर जब आके घर पे आंसर की मिलाते हैं तो इसमें जिसमें उन्होंने प्लस फोर सोचा था वहां क्या आ गया माइनस वन आ गया किसकी गलती से बायो की गलती से नहीं आई मैथ्स की गलती से आई है किसकी गलती से आई है मैथ्स की गलती से आई है यस और नो है ना मैथ्स की गलती से आया है तो यहां पर आंसर से ध्यान से देखना यह आंसर होगा सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइन बेस पे क्योंकि टेन टू दी पावर नाइन जो है वो थोड़ी मल्टीप्लाई टू से होगा क्लियर हो रहा सबको तो दिस इज दी करेक्ट आंसर तो याद रख लेंगे सारे बच्चे ह्यूमन के अंदर जो डीएनए डीएनएलॉड कंटेंट होगा वो होगा 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइन ह्यूमन के अंदर है कितना होगा 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर नाइन क्या ये बात सबको समझ में आ गया यस yes, बहुत बढ़िया ये चीजें आपको समझते हुए चलना है क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां कर जाते हो आप और जब गलतियां करके आते हो ना तो फिर आप बहुत अफसोस करते हो क्यों क्योंकि वो पेपर एक गलती की वजह से आपके दो साल पीछे आपको लेके चला जाता है तो ऐसी छोटी गलतियां होनी ही नहीं चाहिए इसलिए मैं आपको सेशन में ही बता देता हूं ये गलतियां होने वाली है आपसे इन गलतियों को मत करना ताकि एग्जाम में जब आप दे आओ पेपर तो बिल्कुल सही करके आएंगे ठीक है जेई वालों को भी बायो के क्वेश्चन आ जाते तो जाए तो बिल्कुल जेई वालों को देखो एक बात बताता हूं तुम हूँ तुमसे आपको ऐसा फील होता है ना कि हम बायो ले, ले लेते हैं तो यार बायो का कोई यूज नहीं है मैं आपको बताता हूं बायो का जो एवेन्यू है ना बायो का जो आपका यूज है ना वो सारे जगहों पर है क्योंकि बायो लाइफ प्रोसेस है ठीक है तो बायोलॉजी में आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो वो सारे लोगों को समझ में आना चाहिए और बायोलॉजिकल इंग्लिश ये तो बिल्कुल अलग सा इंग्लिश होता है आप जो बायो की टर्म्स बोलते हो वो कोई नहीं बोल सकता है तो बायो का स्टूडेंट जो होता है उसके पास एक, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि वो सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझ सकता है अपने आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है जैसे अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कान की अगर बात करें ना तो कान का जो जैसे आप किसी भी मैथ्स के बच्चों से पूछ लेना या आप बाहर रोड पे घूमने निकलो उनसे पूछना कि यार कान का बताओ मुझे प्राइमरी फंक्शन क्या है कान क्या काम करता है जैसे अभी भी मैं लाइव चार्ट में अगर आपसे पूछूं तो बहुत सारे बच्चे मुझे कान का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या बताएंगे चलो एक बार बता के बताओ आप सभी वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आंसर दिखने चाहिए क्या प्राइमरी फंक्शन किसका है ईयर का जल्दी से राजन बिल्कुल रिपीट करेंगे तो आप दो मिनट वेट कर लो हां ईयर का प्राइमरी फंक्शन बता दें आप सभी वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर और जल्दी से जो लाइक है ना वो बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए लाइक बिल्कुल अभी के अभी फिफ्टी पे पहुंच जाना चाहिए जल्दी से लाइक आप बढ़ा के, को बढ़ा दे यस yes, देखिए आंसर आ गया हिनाज सिंह हियरिंग ओके okay. बहुत सारे बच्चे बॉडी बैलेंस भी कह रहे हैं और कुछ हियरिंग भी कह रहे हैं जिगर इज सिंह हियरिंग अशरफुल इज सिंग हियरिंग है ना तो आप बाहर जब भी जाओगे किसी भी नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट से भी पूछोगे तो वो भी वो भी यही कहेगा कि कान का यार प्राइमरी फंक्शन ही क्या है सुनना है ठीक है पर जब आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप इलेवेंथ पास कर जाते हो तो इलेवेंथ में एक चैप्टर है जिसमें आप सेंस ऑर्गन्स पढ़ते हो और वहां पे ईयर के बारे में पढ़ते हो और जब आप ईयर में वो लाइन पढ़ते हो ना कि प्राइमरी फंक्शन ईयर का है बैलेंसिंग द बॉडी यानी आपके बॉडी को वो बैलेंस करता है आपका दिमाग घूम जाता है कि यानी कि अब तक हमको तो पता ही नहीं था अपने शरीर के बारे में तो दुनिया के बारे में पता करके क्या करेंगे तो वहां पे हमें याद आता है कि बैलेंसिंग द बॉडी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर ठीक है बैलेंसिंग द बॉडी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या एक बार सारे बच्चे बता देंगे आवाज क्लियर है तो एक बार बता दो सारे तब तक मैं आप बता दो मुझे आवाज क्लियर है या नहीं है ओके okay. हाँ बिल्कुल तो आवाज सबको क्लियर है बहुत बढ़िया तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यार हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा था ना उसके दौरान हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ईयर का प्राइमरी फंक्शन है ना वो हियरिंग है नहीं हो करके वो क्या हो रहा है वहां पर वहां पे बैलेंसिंग बॉडी और इसको कैसे समझ सकते हो तो याद करो आप लोग कभी कभी ऐसा होता ना कि राउंड अबाउट घूम रहे होते हो गोल गोल घूम रहे होते ना तो जब आप गोल गोल घूम रहे होते हो तो होता क्या है कि जब आप जैसे रुकते हो तो आपको एक चक्कर सा आता है आप गोल गोल घूमते घूमते जब रुक भी जाते हो तो भी ऐसा लगता है आप तो रुक गए पर दुनिया घूम रही है गोल घूम रही है ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज का कॉन्सेप्ट इस बात से निकालना आप कभी भी बकेट में पानी को भर लो ठीक है किसी भी बकेट में पानी को भर लो और उससे ना रोटेट करना जब आप उसको रोटेट करोगे तो रोटेट करने के बाद आप उस बकेट को रोक रख देना आप देखोगे बकेट तो रुक गया पर उसके अंदर जो फ्लूड है ना वो अभी भी घूम रहा है फ्लूड उसके अंदर क्या हो रहा है अभी भी घूम रहा है यही चीज होती है आपके साथ भी आपके कान में जो फ्लूड है आप जब गोल गोल घूमते हो तो वो फ्लूड भी गोल 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 घूमने लग जाती है अब आपकी बॉडी तो रुक गई पर वो फ्लूड घूम रहा है और उस फ्लुड का काम ही आपकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करना अब क्योंकि वो फ्लूड गोल घूम रहा है इसलिए आपकी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस नहीं मिलता है और आप गिरने के कंडीशन पे आ जाते हो आप अनबैलेंसड होने लगते हो तो वहां से हमें एक बात समझ में आ गया क्या समझ में आ गया कि ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो हमारी बॉडी है वहां पे जो बैलेंसिंग हमें प्रोवाइड कर रही है वो ईयर का काम है यानी ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो हमें समझ में आया कि ईयर का प्राइमरी फंक्शन बैलेंस दी बॉडी है ये बायो वाले बच्चे समझ सकते हैं ये सारे लोग नहीं समझ सकते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट बनती है अब आप ये जाके पूछ लेना किसी भी बायो, नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट से वो यही कहेगा कि ईयर का, का काम प्राइमरी फंक्शन है तो आप उसे बताओगे यार अपने शरीर के बारे में आप नहीं जानते हो बाकी दुनिया क्या समझोगे तो ये बहुत जरूरी है ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं मैं इनके ऊपर भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लाने वाला हूं प्लान कर रहा हूं अबाउट द बायोलॉजिकल फैक्ट्स ठीक है तो बायोलॉजिकल फैक्ट्स हम लेके आएंगे जहां पे आपको बायो के साथ ये समझ में आएगा कि बायो के लिए जो आपके अंदर लव होना चाहिए जो उसके लिए जो अफेक्शन होना चाहिए ना वो कैसे आप डेवलप करोगे क्योंकि बायो के ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना जिनको जब एक बार सुनने लगे तो आपका दिमाग बिल्कुल घूम के रह जाएगा कि सच में ऐसा भी हो सकता है तो ये चीजें भी हम करने वाले हैं ठीक है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूं लेकिन वो सारे प्लान एग्जीक्यूट तो तभी होंगे ना जब आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओगे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे सेशन को लाइक करोगे और कमेंट बॉक्स में अपने डिमांड्स को पोस्ट करोगे आप कमेंट बॉक्स में कंजूसी बहुत करते हो आप कमेंट्स करते नहीं हो तो कमेंट में बॉक्स में अगर कमेंट्स कम आएंगे तो फिर चीजें हम भी आपको कम करने लगते हैं तो इसलिए जरूरी है इफ यू वॉन्ट की आप बेनिफिट उठा सको बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सको यू हैव टू बी एक्टिव आपको एक्टिव होना पड़ेगा पढ़ाई भी करेंगे साथ के साथ कुछ फैक्ट्स भी सीखेंगे क्योंकि बायोलॉजी सीखने आए हैं यानी कि हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखने आए हैं तो आपकी वहां पर जरूरत भी है कि आपको भी थोड़ा एक्टिव तो थो होना पड़ेगा यस और नो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूं आपकी एक्टिविटी चाहिए या नहीं चाहिए बिल्कुल चाहिए तो आपकी एक्टिविटी मुझे वहां पर दिखाई देनी चाहिए चलिए तो ह्यूमन के अंदर तो हमें याद हो गया कि ह्यूमन का जो डीएनए कंटेंट है के अंदर वो होता है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दाइन बेस पेयर अगर मैं डायप्लॉट बोल दूं तो उसे डबल मल्टीप्लाई कर देना पर मल्टीप्लाई करते समय गलतियां मत करता करना यस yes, ताइबाई सिंह सिंह की मैं करती हूं कमेंट बिल्कुल बहुत बिल्कुल ताई बाई आप कमेंट करते हो बहुत सारे बच्चे इसमें हैं दो चार जो कि कमेंट करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जो कि नहीं कर पाते हैं तो वो भी करेंगे है ना यस uh, टॉपिक yes, से बिल्कुल नहीं डाइवर्ट हुआ ही ना टॉपिक पर ही है क्योंकि मेनली आपको बायो समझाना है और आप बायो को समझने के लिए बहुत सारी चीजें आपको समझना जरूरी है तो बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए हम चलेंगे और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक चैप्टर हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे बायो के अंदर आपकी बॉडी का हर एक सेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी सेल से टिश्यू बनने वाला है तो उसी तरीके से अगर ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो इसके साथ प्रीवियस जितने भी चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज भी करते चलना बहुत जरूरी है ठीक है यस yes. चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया दैट इज दॉड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हमने समझ लिया कि ये होता है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दी पावर नाइन बेस पे अब ये दिख जाए नंबर तो समझ जाना ह्यूमन का हीड कंटेंट है ठीक है तो हम क्या कह रहे थे हमने ये कहा था कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है ये क्या होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है यानी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए का लेंथ सेम नहीं होगा तो ये बात सब बच्चों को ध्यान रखना है ह्यूमन के अंदर जो डीएनए uh, लेंथ है वो होता है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर नाइन बेस पेयर इकोलाई के अंदर कितना होता है 4.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स बेस पेयर है ना तो इसको करेक्ट कर लेना ये गलत है यहाँ पे दे रखा है 10 टू दावर सिक्स बेस पेयर तो इकोलाई के अंदर कितना हो गया 4.6 10 power, 6 बेस पे हम बैक्टीरियो फेज लैम्डा के अंदर कितना है तो इसके अंदर होता है 48000 ये सॉरी ये भी आप यहां पे देखो 48502 बेस पेयर्स होते हैं तो ई बैक्टीरियो फेज क्या होता है बैक्टीरियो फेज लैम्डा बैक्टीरियो फेज लैमडा बेसिकली एक वायरस है किसी बच्चे ने पूछा था कि या सर सारे वायरसेस के अंदर डीएनए uh, ही uh, ये ही उनका जेनेटिक मटेरियल होगा तो मैंने वहां पर कहा था ना कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर आर uh, उनका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियो फेज लैमडा ये भी एक वायरस ही है ना बैक्टीरियो फेज लैमडा भी एक वायरस है जो कि uh, क्या बैक्टीरियो फेज का मतलब ही होता है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा होगा तो बैक्टीरियो फेज लैमडा के अंदर कितने बेस पेयर है फोर्टी एट थाउजेंड फाइव टू बेस पेयर है ठीक है और एक और बैक्टीरियो फेज है जिसका नाम है फाइव इंटू वन सेवेंटी फोर ठीक है तो फाइव इंटू वन सेवेंटी फोर के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है फाइव थ्री एट सिक्स है तो ध्यान रखना आपके पास दो यहां पर बैक्टीरियो फेज का नाम आ गया एक कौन सा बैक्टीरियो फेज है फाइव इंटू वन सेवेंटी फोर जिसके अंदर फाइव थ्री एट सिक्स न्यूक्लियोटाइड्स है ठीक है और दूसरा कौन सा आपको दिख रहा है बैक्टीरियो फेज लैमडा जिसके अंदर फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू बेस पेयर है ना बस इतना ही आपको याद रखना है। मतलब इतने ही के बारे में याद रखना है इसके अलावा कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स का आपको याद नहीं रखना क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीआरटी से आएगा और एनसीआरटी में क्योंकि आपको इतनी सारी बातें बताई हुई है तो आपको भी यही सारी चीजें याद रखनी है तो इस स्लाइड के अंदर जितने भी पॉइंट है सब आपको याद होना बहुत जरूरी है तो बहुत तरीके से याद कर लेना बहुत ज्यादा तो आपको कुछ याद करना नहीं है सिर्फ इतनी सी बात याद करना है कि डीएनए खुद क्या होता है डीएनए इज अ पॉलीमर किसका पॉलीमर है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है ठीक है थोड़ी देर पहले ही बता दिया आपको दूसरी बात कि डीएनए का जो लेंथ है उसको हम कैसे मेजर करते हैं तो डीएनए के लेंथ को हम नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर के अकॉर्डिंग वहां पर मेजर कर सकते हैं या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे हम मेजर कर सकते हैं उस हिसाब से और ये भी बात याद रखना है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेंथ ऑफ डीएनए वैरी करता है ठीक है और आपको बता दिया कि जो बैक्टीरियो फेज है जैसे फाइव इंटू वन सेवेंटी फोर उसके अंदर फाइव थ्री एट सिक्साइड है लैमडा की बात कर ले तो लैम्डा के अंदर कितना होता है उसके अंदर होता है फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू बेस पे अब ठीक है अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर तो कंटेंट कितना होता है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर नाइन बेस पे अब ठीक है इकोलाई की बात कर ले तो इकोलाई में कितना होता है तो आपके सामने है फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स बेस पे क्या ये आपको रटना पड़ेगा नहीं इसको रटना नहीं है बस एक बार देखना है ऑप्शन में ये सारे रहेंगे आप ऑप्शन से उनको पहचान सकते हो क्योंकि आपको याद तो बस इतना ही करना है इसके अलावा तो कुछ याद रखना ही नहीं है इतने से ही पूछा भी जाएगा क्वेश्चन तो हमें बस इतना याद रख लेना है अगर हमें इतना याद रह गया तो फिर आगे कुछ नहीं पूछा जा रहा है चलिए सबको ये बात समझ में आ गया नेक्स्ट डीएनए को अगर हम देखें तो ये एक एसिडिक सब्सटेंस है इंपॉर्टेंट है याद रखना आगे जब मैं पैकेजिंग पढ़ाऊंगा वहां पे इसका काम आएगा तो याद रखना डीएनए कैसा होता है एसिडिक होता है जो कहां मौजूद होता है न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशन ने ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स है जिनको ध्यान रखना है और फ्रेडरिक मिशन ने जब इसको आइडेंटिफाई किया था तो इसको नाम दे दिया था न्यूक्लिन क्या कह दिया था उसे न्यूक्लीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब डीएनए को सबसे पहले पहचाना किसने उस मिशन ने पहचाना था पर मिशन ने उसको कहा था न्यूक्लीन उन्होंने डीएनए नहीं कहा था उन्होंने उसे कहा था न्यूक्लीन ठीक है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मिला था इसलिए उसका नाम दे दिया उन्होंने न्यूक्लीन ठीक है बाद में जब टेक्निकल लिमिटेशंस ओवर हो गए हमारे पास बढ़िया माइक्रोस्कोप्स आ गए हमारे पास अच्छा वहां पर क्रिस्टलोग्राफ्स आ गए तो उनके हेल्प से जब डीएनए को स्टडी किया गया तो पता ये चला कि एक लॉन्ग पॉलीमर यहां पर जो दिखाई दिया ठीक है उसके स्ट्रक्चर को हमने फिर वहां पे अनफोल्ड किया और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की हमने वहां पे स्टडी किया जिसमें बहुत सम्... लंबा समय लग गया क्यों लंबा समय लग गया क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशंस थे हमारे पास ठीक है टेक्निकल लिमिटेशन का मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे नहीं जिनसे हम चीजों को पढ़ सकते थे तो टाइम ज्यादा लगा लेकिन जब टाइम लग गया तो उसके बाद जब हमने इसकी स्टडी की तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वहां पर स्टडी हो गया हमें समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है और वी आर थैंकफुल किसके लिए हम किसको हम इसका थैंक्स देते हैं हम देते हैं वॉटसन और क्रिक को कि वॉटसन और क्रिक ने हमें बताया कि जो डीएनए होते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब होता है आप सभी को पता है कि डीएनए को आप जब बनाते हो तो कुछ इस तरह से स्प्रिंग शेप में बनाते हो जिसमें से ये एक स्ट्रैंड होता है ये इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है याद आ गया आप सभी को तो डीएनए जो होता है वो ऐसे जिग्जैक्ट स्ट्रक्चर में नजर आता है स्प्रिंग की तरह नजर आता है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दो हेलिक्स में जो ये स्ट्रक्चर दिखता है इसी को हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था वॉटसन और क्रिक ने दिया था किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था कहां से पता किया था तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा से दिया था ठीक है और इसके लिए और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट जाएगा देखो ध्यान से अभी तो कौन कौन से और थे एक तो थे विलिकिंस और दूसरे थे फ्रैंकलिन भी तो वॉटसन और क्रिक ने स्टडी किया था लेकिन साथ के साथ उन्होंने हेल्प जो लिया था वो कहां से मिला था Willikans और फ्रैंकलिन से भी मिला था और इस तरीके से उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल दे दिया तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक का तो है सही पर उन्होंने ये दिया किसके हेल्प से तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था विलकेंस और फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के अकॉर्डिंग तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि वॉटसन और क्रिक के अलावा ये भी दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विलिकन्स एंड फ्रैंकलिन जिनकी वजह से डबल हेल्प मॉडल दिया गया था और वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ दिस प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग आगे बात करेंगे हम बेस पेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है डबल हेलिक्स के अंदर बेस पेयरिंग बेस पेयरिंग का मतलब क्या है कि एक एडिनिन थाइमीन के साथ पेयरिंग करेगा ठीक है एक ग्वेनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग एक प्यूरिन हमेशा पायरी के साथ ही पेयर करता है एक प्यूरिन हमेशा पायरी के साथ पेयर करता है इसी को हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा हम सारी बातों को करते हुए चलेंगे तो आपको ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है क्लियरली क्लियर रखना बहुत जरूरी है समझ में आ रहा आप सभी को तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है जहां पे हम बेस पेयरिंग की बात करेंगे एडेनिन कैसे थाइमिन के साथ जुड़ेगा कैसे ग्वेनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है तो फिलहाल आपको जो जो बातें मैंने बताई है वो फिर से एक बार रिवाइज कर लो पहला स्लाइड मैंने रिवाइज करा दिया था ये जो दूसरा स्लाइड है उसको भी रिवाइज करा देता हूं कि डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है याद हो गया आप सभी को दूसरी बात सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किसने किया था मिश्र ने किया था और उन्होंने न्यूक्लियस में इसको देखा था इसलिए उसका नाम न्यूक्लियन कह दिया आगे चल करके वॉटसन और क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था किसके हेल्प से दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के अकॉर्डिंग दिया था और ये डेटा किसने दिया था ये डेटा दिया था फ्रैंकलिन ने uh, uh, और विलकिन ने विल्किस और फ्रैंकलिन ने ये डेटा दिया था जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर देखते हैं सबसे बड़ा हॉलमार्क क्या है इसका तो वहां पे हम क्या देखते हैं बेस पेयरिंग देखते हैं बेस पेयरिंग हम कैसे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जहां एक प्योरिन पायरिमिडिन के साथ पेयर अप होगा और इस तरीके से हम डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को वहां पे देखने जा रहे हैं और डीएनए है क्या डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है पॉली न्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये बना हुआ किसका होता है न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के बनते हैं इसलिए नाम दे दिया पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्या ये बात सबको याद हो गया यस और नो हाँ नित्या बिल्कुल वो सारी बातें हम करेंगे तो अभी उसके बारे में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं मैं जो पॉइंट्स आपको याद करवा रहा हूं वो बिल्कुल अभी के अभी याद कर लेना है यहां तक चीजें याद हो गई तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है सारा कुछ हमें याद होता जा रहा है यहां तक कोई किसी को कोई इश्यूज नहीं है क्लियर हो गया यस और नो यहां तक जल्दी बता दो यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं यस और नो जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए आप सभी के चलिए बिल्कुल बिल्कुल ओके गुड सबको समझ में आ गया सबको चीजें क्लियर हो गई हैं गुड तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि अगर हम डीएनए को कह रहे हैं कि एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है तो क्यों है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन वो देखो आप न्यूक्लियोटाइड हैज स्टार्टिंग लेक्चर बता दिया था कि अगर मैं न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूं तो इसमें तीन कॉम्पोनेट्स होंगे कौन कौन से होंगे एक तो नाइट्रोजन बेस होगा ठीक है नाइट्रोजन बेस में क्या हो सकता है तो नाइट्रोजन बेस में आप सभी को पता है कि दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं कौन से दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडींस ठीक है तो याद रख लेंगे कि अगर मैं न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूं तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कॉम्पोनेट है क्या क्या है एक तो नाइट्रोजन बेस है दूसरा पेंटो शुगर है पेंटो शुगर का मतलब क्या होता है फाइव कार्बन वाला कितने कार्बन का फाइव कार्बन का एक शुगर होता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो फाइव कार्बन शुगर वहां पर दिखाई देगा आपको जैसे कि आर के, ए के केस में कौन सा शुगर होगा राइबोज होगा और डीएनए के केस में क्या होगा डी राइबोज होगा ये बात भी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बता दिया था और फॉस्फेट ग्रुप होता है तो ये तीन चीजों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड एक क्या हो गया नाइट्रोजन बेस हो गया दूसरा क्या हो गया पेंटो शुगर हो गया और तीसरा क्या हो गया फॉस्फेट ग्रुप हो गया नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है एंड ठीक है और पेंटो शुगर भी दो तरह का है आरएनए के अंदर क्या होगा राइबोज होगा और डीएनए के अंदर क्या होगा डी राइबोज होगा क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई ये चीजें याद होती जा रही हैं आगे इनका बहुत यूज है इसलिए इसको याद करना और ध्यान से समझना इसलिए मैं बहुत आराम से चीजें आपको समझा रहा हूं ठीक है देखो दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं क्या क्या है प्यूरिन प्यूरन्स में कौन कौन आएगा तो याद रख लेंगे प्यूरिन ए और जी वाले होते हैं ए जी प्यूर ए जी एडीन एंड ग्वेनिन पायरीमिड क्या क्या होंगे पायरीमिड हो जाएगा आपका था यूरासिन और साइटोसिन ठीक है अब आप कहोगे गए सर प्यूरिन तो दो ही है पायरीमिड तीन क्यों है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके पास पायरीमिडिन दो ही है या तो वो थामिन और साइटोसिन हो सकता है या फिर वो यूरासील और साइटोसिन हो सकता है ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि जब हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर थायमिन और साइटोसिन होगा लेकिन जब आप आरएनए करोगे तब तो वहां पर यूरिस और साइटोसिन होगा तो ये आपको याद रखना है कि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो थायमिन पायरिमिडीन बन जाएगा जब हम की बात करेंगे तो थामीन के जगह पर वहां पर हो जाएगा ये एक छोटी सी बात आप सबको ध्यान रखना है क्लियर है सबको क्योंकि इस पर ही हम जेनेटिक मटेरियल की खोज करने वाले हैं तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं ना वो बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि इसी पे जेनेटिक मटेरियल खोजा जाएगा आपको जेनेटिक मटेरियल खोजना है या नहीं खोजना है और अगर जेनेटिक मटेरियल खोजना है आपको तो फिर ये छोटी छोटी बातों को दिमाग में बैठा के रखना मैंने बोला था आपको कि आज की क्लास में तो इंट्रोडक्शन है तो आज तो आपको फैक्ट्स बताऊंगा पर आगे जैसे जैसे चैप्टर में मूव करोगे आपको मैं रिसर्चर बनाता चला जाऊंगा और आगे बढ़ोगे तो आपको बेसिकली मैं बना दूंगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट जहां पे आप पता कर पाओगे कि किसी पर्सन की कब तक की लाइफ स्पैन होने वाली है मतलब आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि उसका लाइफ स्पैन क्या होगा और आगे बढ़ेंगे तो हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाएंगे जहां हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसने किसका मर्डर किया था ये पता लगा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम पेरेंटिंग के बारे में पता कर पाएंगे कि कौन किसका पेरेंट है कि ए, ये चीजों को हम कंफर्म कर पाएंगे तो बहुत मजे से चीजें पढ़ना है बहुत सीक्वेंस में पढ़ना है दैट्स वाई एम टेलिंग यू कि 5 पी पे अगर आप नहीं आते हो तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मिस करोगे और ये चैप्टर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो समझ में आ जाएगा तो गलत फहमी में हो क्योंकि एनसीआर से पढ़ने पर यह चैप्टर समझ में लेकिन एनसीआरटी में इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं तो समझ में तो आपको आना चाहिए लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि हम उसको उस तरीके से पढ़ते नहीं और एन में ये चैप्टर बहुत डिटेल में दिया हुआ है तो आप इसको स्किप कर जाते हो उसको स्किप नहीं करने के लिए जरूरी है फाइव पी के टाइम पर क्लास करने आ जाओ मेरे साथ चैप्टर चैप्टर कंप्लीट कंप्लीट करते रहो आपका ये भी आ, आ, मैंने बिल्कुल आपको कहा था कि ह्यूम्टी फि, नहीं वन ट्वेंटी फाइव तुमने पच्चीस साल और एक्स्ट्रा कर दिया पच्चीस साल इतना एक्स्ट्रा नहीं अकॉर्डिंग टू जेनेटिकल रिसर्च जो रिसेंटली जो जेनेटिक रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारी जीन्स ही हमें खुद 125 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता है इसलिए 125 साल से ज्यादा लाइफ स्पैन वाला कोई भी पर्सन ह्यूमंस में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है क्योंकि हमारी जीन्स 125 साल तक के लिए ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया अभी ये कन्फर्म नहीं है लेकिन एक साल तक ही हम जी सकते हैं तो तुमने जो ये पचास कर दिया ना पच्चीस साल जो अपना एक्स्ट्रा तुम जोड़ रहे हो ना तो, तो एक वाला काम नहीं हो पाएगा एक तक ही है ठीक है तो ये सब कुछ बिल्कुल समझना है बिल्कुल सिंह सर समझ में नहीं आता है सिर्फ एनसीआर पढ़ के बिल्कुल एनसीआरटी को सिर्फ पढ़ते हो इसीलिए तो नहीं समझ में आता है एनसीआर से बातें करो एनसीआर से बात करो जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो ना जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको पढ़ा थोड़ी रहा हूं मैं आप तो आपसे डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपको बातें बताता हूं कि आपने कुछ पढ़ा था उसको आपने गलत तरीके से पढ़ लिया था उसको सही कैसे करोगे तो जब आप मेरे सेशन में आते हो तो मैं आपसे वो बातें करता हूं और उन बातों के थ्रू आपकी डाउट्स को मैं यहां पे लेता हूं और मैं अपने जितनी भी नॉलेज होती है वो नॉलेज आपको देता हूं ताकि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन हो और आप समझ जाओ एनसीईआरटी भी उसी तरह से एक ऐसा आपका दोस्त है जिसके पास ज्ञान का सागर है बहुत ज्यादा ज्ञान है उसके पास अब वो जो बातें बोलता है ना वो आपके पल्ले ही नहीं पड़ता है तो उसको समझना कैसे तो उसके बीच में एक मेडिएटर चाहिए ना आपको एनसीआरडी समझने के लिए आपको एक मेडिएटर चाहिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है एनसीआरटी पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो मैं एक मेडिएटर हूं आपका जो कि आपको समझाता हूं कि एनसीआरटी को समझोगे कैसे जब आप एनसीआरटी को समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा यस इनाय सिंह सर आपके लेक्चर सुनने के बाद सब फिंगर टिप्स पे रहता है बिल्कुल अगर लेक्चर्स में अगर आप आते हो रेगुलरली आते हो तो मेरा तो यही कोशिश है कि मैं आपको एनसीआरटी समझा दूं एक बार एनसीआरटी समझ में आ गया एनसीईआरटी याद हो गया तो फिर एमसीक्यू सॉल्व करो ना अब होता क्या ना तुम लोग एमसीक्यू कहां से उठा लेते हो जो जो आपके मतलब कि ऐसा है कि दो जनरेशन पहले आ रहा था उनको आप लेकर के बैठ जाते हो कि सर मैं ये स्टेट पी के क्वेश्चन बना रहे हैं और इसका आंसर चाहिए अरे स्टेट पीएमटी के क्वेश्चन अब बनाने का क्या फायदा है अब तो नीट होती है एक कॉमन सिलेबस होती है एनसीआरटी के अकॉर्डिंग होती है तो एनसीआर करेंगे बस बात समझ में आ रहा है तो बस और बस एनसीआरटी बनाइए

पढ़ के ही नहीं जाते इसलिए ऐसा लगता है कि सारा कुछ एनसीआर के बाहर है क्योंकि एनसीआर नहीं पता है हमें कि एनसीआर क्या क्या रही है तो हमें ऐसा लगता है एनसीआर से बाहर है जबकि एनसीआर से बाहर कुछ भी नहीं आता है ये पक्की बात है क्योंकि आपको मैं एमसीक्यू भी तो कराता हूं वहां पे मैं आपको ये बात बताता हूं ना कि आप सेशन में अगर हो तो एमसीक्यू बनेंगे तो ये बहुत जरूरी है ठीक है तो बिल्कुल सबको ध्यान रखना यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर बुक नहीं बनाओ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्टेट पीएमटीस के क्वेश्चन है वो आप नहीं आपसे बनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हमसे चैप्टर नहीं बन रहा है आप ऑथेंटिक एनसीआर पढ़ो और उसके रिलेटेड एमसीज प्रैक्टिस करो ठीक है हम आपको डीपीबीएस प्रोवाइड करते हैं उनसे पढ़ो या फिर आप फिंगर टिप्स से पढ़ो और आपके क्वेश्चन बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि टाइम तो आपका ओवर हो चुका तो आज तो हमने इतनी सारी बातें की हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ये बातें याद रखनी है कि बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बहुत प्रिकॉशन से पढ़ना पड़ेगा टाइम पे पंक्चुअल होना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स को लेके आना पड़ेगा अगले क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आने चाहिए सेशन के दौरान ताकि हम इस चैप्टर को प्रॉपर डिस्कश क्योंकि इस चैप्टर में डिस्कशन है और डिस्कशन तभी बढ़िया हो सकता है जब बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडिया के साथ आएंगे ठीक है तो सारे बच्चों को अपने अपने फ्रेंड्स को लेके आना है ताकि सेशन के दौरान बहुत अटेंटिवली हम चीजों को पढ़ें और एनसीईआरटी को टिप्स पे करने की कोशिश करेंगे तो सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कल से पंक्चुअल फाइव पी एम का टाइम है पंक्चुअल हो जाना है ठीक है और पांच बजे आपको बिल्कुल क्लास के लिए आ जाना है फाइव टू तो सिक्स हमें फिर लेक्चर करना है सो थैंक यू एवरी ये तो अब आप सभी अब एनसीआर पढ़ने का आदत डालने लग जाओ ठीक है सो थैंक यू